फरिश्ते ऐसे मुसलमान पर ताज्जुब करते हैं कि दो मुसलमान अगर पास पास से गुजरे वो सलाम ना करे, लेता है रुमाल निकालता हुआ छोटी सी करके रख देता है, या फिर जो छींक कर दे तो क्या बोलना है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन छींक आती है तो क्या कहता, सॉरी सॉरी, अल्लाह की तारीफ करनी है। चाहे कि तीन चीजें आपको उस पर देखना है खाने के ऊपर, पहला कि जो खाना जो खिलाया जा रहा है वो खुद से हलाल हो, दूसरा जिस माल से वो खिला रहा हो ये माल अगर उसका हलाल है तो फिर आप वो खाना खा सकते, तीसरा ये कि उसकी निस्बत क्या है खाने की खिलाने की, किस वजह से खाना खिलाया। मुसलमान से मुसलमान हसद ना रखे, किसी से जलन, ये भी उसी जैसा ही है जलन रखना उससे, इस तरह ये भी हक मारने में से कि आप किसी की गिबत करें मुसलमान की, इधर चुगली करना किसी मुसलमान की, आप चुगली कर रहे हैं ये भी मुसलमान के हक मारने में से कि गाली दे, इसी तरह मुसलमान दूसरे मुसलमान पर हथियार ना उठाए, ये भी बड़े बुरे लकब देना मना है, किसी पे ऐब भी ना लगाए, किसी के खिलाफ कोई बदगुमानी ना रखे, औरतें औरतें का मजाक ना उड़ाए, मर्द मर्द का मजाक ना उड़ाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबी अजमईन। फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यशरली सदरी व यस्सिरली अमरी व हलल उक़दतु मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब यहाँ हफ्तेवारी दरस कुरान के लिए जमा हुए हैं। मुसलमान के मुसलमान पर हक, जिस तरह से हमने पिछली बार हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से बातें देखी थी, और उसी में ये भी था क्योंकि ये भी एक समाजी हक है, और एक समाज और एक माशरा इससे मजबूत बनता है और अखलाक वाला बनता है। हुकूकुल इबाद के अंदर से यही हक है कि हम आपस में मुसलमान मुसलमान के हक दें, तो बंदों के हक़ की बड़ी अहमियत है इस्लाम के अंदर कि बंदों के हक दिए जाएं, और इसके ताल्लुक से वो सही मुस्लिम की रिवायत हम कितनी बार हमने सुनी है कि जिसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह हदीस नंबर 6579 कि एक शख्स नेकियों का पहाड़ लेकर रोज़े क़यामत आएगा और अल्लाह अपना हिसाब उससे कर लेगा, लेकिन फरिश्ते कहेंगे कि कुछ लोग खड़े हैं जो इससे अपना हिसाब चाहते हैं, यानी कि उसने उन बंदों के हक़ मारे होंगे, तो उसकी सारी नेकियां उन बंदों को तकसीम कर दी जाएंगी, उसके बाद भी उसके हक बाकी रहेंगे तो उसके पार उनके जिस जो हक जिसके मारे उनके गुनाह उस पर लाद दिए जाएंगे और उसके जो है बुराइयों का पहाड़ बदी का पहाड़ उसका खड़ा हो जाएगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये जो हक है कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं कि इसको अदा किया जाए। तो ये समाजी हकूक है, वो समाज के अंदर पूरे सब चीज़ें आ जाती हैं, रिश्तेदार हैं, अड़ोस पड़ोस और उसे घर वाले, ये सारे के सारे लोग उसमें रहते हैं। तो मुसलमान आपसी हुकूक क्या हैं और हम क्या देते हैं, ये हमको मालूम भी होना चाहिए कि हम उसको देते कि नहीं। और यहाँ देने की जब बात आती है या कोई चीज़ बताई जाती है तो वही होता है कि वो जब सुनता है कि ये हक पड़ोसी के हक के बारे में या रिश्तेदारों के हक के बारे में, तो वो दूसरों पर कहता है कि हाँ ये मेरा हक नहीं दे रहा, ये पड़ोसी मेरा हक नहीं दे रहा, ये मुसलमान का हक है लेकिन ये मेरा हक नहीं दे रहा, तो हम दूसरों को देखते हैं। जबकि वसूल क्या है कि हम अपने आप को देखें हम देते कि नहीं देते, उसके बाद में फिर हम उसको समझे। तो ये हम ये देख रहे हैं कि यार ये सामने वाले ने मुझे सलाम नहीं किया, आप ये देखें कि आपने किया कि नहीं किया, हमको वो देखना है, वो नहीं देखना कि इसने किया कि नहीं किया। तो असल सबसे पहले अपने आप को देखें, वो कुरान और हदीस को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है, और सहाबा भी इसी तरह इसको समझा करते थे कि कोई आयत वो कुरान की सुनते थे तो वो कि ये आयत कहीं मेरे लिए तो नहीं है, मुनाफिक की आयत है तो अपने आप में तलाश करते कि मेरे अंदर ये सिफत तो नहीं है। तो जो भी चीज़ हमको शरीयत की मालूम पड़ती कुरान और हदीस से, तो उसको सबसे पहले अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखना चाहिए कि मैं इसके लायक हूँ कि नहीं, मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हम देखें। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हम पर हुकूक आयत किए हैं तो वो हुकूक हमको अदा करना है, और इसका सवाब है, इसकी नेकियाँ हैं। और अगर ये हक किसी ने नहीं दिए, ये हक किसी ने किसी के मार लिए, तो ये जो बंदों के हक़ की जहाँ तक बात है, अल्लाह के हक तो अल्लाह चाहे तो माफ़ कर देगा, लेकिन बंदों के हक माफ़ नहीं करेगा अल्लाह, क्योंकि बंदों से बंदों का हिसाब किया जाएगा, वो उसको वहीं पर हिसाब किताब उसका उसको करना पड़ेगा। तो ये सही मुस्लिम की रिवायत है जिसके अंदर
पांच हक यहाँ बताए हैं, उसके अलावा और भी रिवायतों के अंदर किसी में छः और किसी में सात भी आते हैं, और फिर अलग अलग रिवायतों में और भी हक हमको मिलते हैं जो मुसलमानों के हक हैं। यह अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया सही मुस्लिम की रिवायत है हदीस नंबर 2162 के हक्कुन मुस्लिम अला मुस्लिमीन खम्स, के मुसलमान के मुसलमान पर पांच हक हैं। पहला हक क्या है? रद्दुस्सलाम, कि जब वो सलाम करे तो जवाब दे, ये सबसे पहला हक उसका। और दूसरा हक उसका ये है कि आयादतुल मरीज, के जब वो बीमार हो जाए एक मुसलमान तो वो उसकी आयादत करे, उसकी मिजाज पोशी उसको पूछने जाए। तीसरा है कि वह तिबा उल जनाइज, कि अगर वो मर जाए तो उसके जनाजे के पीछे जाए। वह इज्जत व ईजा वदुद दावा, वो दावत दे तो उसको कबूल करे, यानी अगर वो खाने के लिए उसको बुलाता है तो कबूल करे। वो तस्मीतुल आतिश, और अगर वो छींक दे तो उसका वो जवाब दे, ये भी उसके हक में से। इसके अलावा जो दूसरी रिवायतों में मिलता है कि वो अगर वो मशवरा मांगे उससे तो उसको खैर का मशवरा दे। और एक और रिवायत में मिलता है कि अल्लाह के लिए अगर वो कसम दे तो उस काम को पूरा करे, यानी जो अगर वादा किया या वो कसम दे, अल्लाह की कसम देकर कोई काम करने की गए तो आप उसका काम करें। तो अब ये है, लेकिन इसको क्या, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं तो माशरे तौर पर हम इसको मार जाते हैं, हक उसके मार जाते हैं चाहे मुसलमान हो। तो मुसलमान है, अपने उसको मिला और सलाम नहीं किया तो आपने उसका हक मारा, आपने उसका हक मारा है। तो ये हक मारने के अंदर से, क्योंकि जब भी किसी मुसलमान से मुलाकात हो तो सलाम किया जाए और मुसाफा किया जाए, ये भी सुन्नत में से। साहबा का अमल है कि मिलते थे तो मुसाफा किया करते थे, और अल्लाह ने कुरान में इसकी तरगीब दिलाई सलाम के ताल्लुक से। अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 में कि जब तुम्हें सलाम किया जाए तो तुम उसका जवाब दो, बल्कि उसका उससे भी अच्छा जवाब दो, नहीं तो इतना तो इतना उसको लौटा दो। यानी किसी ने आपसे सलाम किया अस्सलाम वालेकुम तो आप वालेकुम अस्सलाम, या उसका बेहतरीन तो रहमतुल्लाह है, और बेहतरीन करना चाहते हो बरकता वो बरकता तुम, यानी कि और ज़्यादा उसको आप बढ़ा के उसको करें। वो कुरान की आयत है तो ये वाजिब हो गया, ये देना ही पड़ेगा क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, तो कुरान की आयत में इसमें वाजिब करार दिया। वो सलाम में फिर ये इतना ही है, नहीं तो फिर लोग क्या है कि और भी ज़्यादा बढ़ते हैं कि और भी ज़्यादा दें। किसी ने इतना बड़ा सलाम कर दिया कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, तब बोले बढ़ाने के देना है, तो वो वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू और मगफिरतुहू, तब ये फिर इजाफा हो जाएगा, जितना है उतना उसको लौटाना है, जितना बताया उतना, नहीं तो फिर उसको बढ़ाते जाएंगे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो जितना बताया है वो जो रिवायत मिलती है मगफिरतुहू, वो उलमा के नज़दीक वो ज़ईफ़ है, उलमाओं ने कहा कि ये ज़ईफ़ रिवायत है, तो यहीं तक इसको जवाब देना है। और सलाम का मामला तो ऐसा है कि सलाम तो देख देख कर किया जाता है, जान पहचान का हो तो किया जाएगा, और ये सब निशानियों में से हैं, कयामत की निशानियों में से, कि लोग जान पहचान वाले को ही सलाम करेंगे, दूसरे को सलाम नहीं करेंगे। या फिर जो है जमात वाले को देखा जाए, टोपी देखी जाए, अपने जैसी टोपी नहीं पहनता, इसकी टोपी अलग, क्योंकि टोपी पहचान होती है आज, तो इसकी टोपी अलग, तो इससे सलाम मत करो, इसका जवाब मत दो। तो ये है कि सलाम मुसलमान है, आपको सलाम उसको करना है और उसका आपको सलाम का जवाब देना है अगर वो करता है तो, ये उसके हक में से है। और इसी तरह जो है सही मुस्लिम की रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ऐसे मुसलमान पर ताज्जुब करते हैं, फरिश्ते ताज्जुब करते हैं कि दो मुसलमान अगर पास पास से गुजरे वो सलाम ना करे तो फरिश्ते कहते हैं कि बड़े ताज्जुब की बात है, दो मुसलमान गुजरे और सलाम नहीं किया इन्होंने, अल्लाह की सलामती की दुआ नहीं दी एक दूसरे को, तो फरिश्ते बड़े उसको ताज्जुब से देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं मुसलमान। तो ये भी इसके अंदर है। इसी तरह जो है सलाम के लिए तो सहाबा का, जैसे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह इनके ताल्लुक से मिलता है, कई सहाबा के ताल्लुक से मिलता है कि ये अगर दो सहाबी जाते रहते और बीच में पेड़ आ जाता या दीवार आ जाती, रोक आ जाती, तो फिर आगे जाके फिर सलाम किया करते थे, यानी इतना सलाम का एहतमाम किया करते कि इतनी देर भी ये बिछड़ गया तो उसमें भी सलाम किया करते थे। और अल्लाह के रसूल सल्लम की आदत मुबारक थी कि आप हर वक्त सलाम करते थे, और अल्लाह के रसूल सल्लम वो भी अदब भी बताएं कि कौन किससे सलाम करेगा, कि छोटा बड़े को करेगा, जमात बड़ी जमात छोटी जमात बड़ी जमात को करेगी, चलने वाला बैठने वाले को करेगा, वो तमाम बताएं। लेकिन उसके बाद भी अल्लाह के रसूल सल्लम की आदत थी कि हर जो भी मिलता उसको सलाम किया करते थे, उसके अंदर वो बच्चों को खुद सलाम करते थे, चाहे बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा हो,
چاہے وہ عورتیں ہوں چاہے جان پہچان کا ہو انجان سب کو اللہ کے رسول اللہ سلام کیا کرتے تھے. تو سنت سے ہم کو یہ ملتا ہے کہ سب کو سلام کرتے تھے, تو ہم کو سب کو سلام کرنا یہ اس میں ملتا ہے. تو سلام کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ سلام کرنے سے آپسی محبت تعلقات بڑھتے ہیں, اس سے تعلقات اچھے ہوتے ہیں. اور اس کے تعلق سے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 6236, کسی نے پوچھا ان سے صحابہ نے کہ اللہ کے رسول بتائیے بہترین اسلام کیا ہے, تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھلانا, یعنی خرچ کرو اللہ کے راہ میں, اور سلام کرو پہچانتے ہو اس کو بھی اور جسے نہیں پہچانتے ہو اس کو بھی. اور یہی قیامت کی نشانی ہے کہ اگر ہم پہچان کر سلام کریں گے تو یہ بہترین اسلام کیا ہے. سب سے پہلے تو کھانا کھلانا, تو اس کے اندر یہ تو ایک طرح سے آج کل بند سا ہو گیا. کھانا کھلانا ایک تو وہ ہے جو غریبوں کو مسکینوں کو ان کو کھانے کے لیے دینا, وہ ابھارا گیا قرآن کے اندر حدیثوں کے اندر. لیکن یہ جو کھانا کھلانا یعنی کہ آپس کے اندر مسلمان ایک دوسرے کو بلائے کھانا کھلائے دعوت دے اس کو, یہ ختم سا ہو گیا. اب یہ بالکل ہوتا ہی نہیں ہے. شادی بیاہ ہے کوئی فنکشن ہے تو بلا لیا, اس میں بھی چھانٹ چھانٹ کے بلایا جاتا ہے. یا پھر وہ ختم ہو گیا کہ پہلے ہوا کرتا تھا کہ اب دعوتیں رکھی جاتی تھی کہ آج چھٹی آپ ہمارے گھر پر آئیے, پھر وہ سلسلے چلا کرتے تھے, اس سے تعلقات رہا کرتے تھے, وہ تعلقات ختم ہو گئے. اس لیے مسلمانوں کی انڈرسٹینڈنگ آپس میں نہیں ملتی, تو اس وجہ سے ختم ہو گیا کہ پہلے وہ ایک کو بلاتا تھا کہ ہمارے گھر پر آئیے آپ کی دعوت ہے, وہ یہاں کا رہا کر جاتا تھا تو بولے اگلی بار آپ ہمارے گھر پر آئیے. وہ پھر وہاں پر ایک کو بلایا تو پھر وہاں پر وہ کسی سامنے والے کا جو اس کا دوست تھا, اس کا کوئی دوست تھا, اس نے اس کو بھی بلا لیا. ان دونوں کی کوئی آپس میں جان پہچان نہیں تھی, وہاں جا کر ملے ان کی پہچان بھی بڑھ گئی, پھر انہوں نے ان کو کھانے پر بھی بلا لیا. تو یہ اس طرح سے پورا معاشرہ ایک دوسرے سے جڑتا ہے. تو یہ آج بنسا ہو گیا, کوئی کسی کو نہ کھلاتا ہے نہ پلاتا ہے نہ کچھ نہیں ہوتا. زیادہ سے زیادہ جو ہے مرد مل جاتے ہیں, تو فیملی کا جو آپس کے اندر جو ہوا کرتا تھا کہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے تو ٹرمس ہوتے تھے, فیملی ٹرمس وہ ختم ہو گئے. یا تو مرد حضرات مٹ جاتے ہیں مسلمان ہیں یا جو تو بازار میں ملتے ہیں, بازار میں ناشتہ پانی کر لیا گھر چلے گئے, اب ان کو کوئی وہ نہیں, تو ایک الگ فیلڈ ان کی ہو جاتی ہے پوری مردوں کی. عورتوں کا تعلق اڑوس پڑوس سے رہ گیا, تو یہ رشتے داریاں اور ساری چیزوں ختم ہو جاتی ہے. تو یہ بہترین اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم اس لیے کہا کہ کھانا کھلانا بہترین اسلام میں کھانا کھلانا, تو کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو. تو سلام ہم کو عام کرنا ہے, لیکن اس میں بھی سلام میں بھی لوگ کیا کرتے ہیں کہ پہچان والوں کو یا پھر اچھا اونچا آدمی ہے تو اس سے اونچا سلام کرتے ہیں حضرت, اور روک کر آواز دے کر کرتے ہیں. باقی تو اگر کوئی اس کی نظر میں جو حقیر وہ نکل گیا مسلمان پاس سے تو وہ کہتا ہے کہ حضرت السلام علیکم, السلام چلے جاتے ہیں. یا پھر اب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ان سے اچھا اونچا جا رہا ہے محلے کا رسوخدار, نیتا جی ہیں کوئی ہیں بڑے رسوخدار ہیں, کسی کمیٹی کے بڑے صدر ہیں, وہ نکلتے تو وہ خود ہاتھ دلا کے بولتے ہیں حضرت السلام علیکم, یعنی اس سے اونچا سلام کیا جاتا ہے. اور جو حقیر جس کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ حقیر ہے تو اس کو وہ ایسے ہی جواب دیتے ہیں. تو آج معاملہ یہ ہو چکا ہے. تو اس کے اندر ضروری ہے کہ ہم جسے پہچانتے ہیں اسے نہ پہچانتے اس کو سلام کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کو پہچاننا تھوڑا مشکل ہوتا ہے آج کے دور کے اندر. پہلے تو کہ داڑھی ٹوپی اگر دکھ گئی تو ہم پہچان لیں مسلمان, داڑھی دکھ گئی تو مسلمان ہے, کپڑے سے بھی پہچانا جا سکتا ہے. لیکن مسلمان کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں, سلام کرے کہ نہیں کرے. شک شبہ ہے تو آپ کر سکتے ہیں کہ لگ رہا ہے ایسا تو کر لیں. لیکن معاملہ یہ صرف مردوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, عورتوں کی بھی بات ہو رہی ہے. اب عورتوں کو تو پہچاننے میں دقت نہیں ہے تو مرد کے اندر دقت ہے چلو, لیکن عورتیں میں بالکل ہی ختم ہو گیا. عورتیں تو کرتی نہیں سلام ایک دوسرے سے, جبکہ ان کو تو پہچاننا بھی بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ یا تو برقعے میں ہوتی ہیں, تو پھر برقعے میں ہے تو وہ ایک دوسرے کو جو ہے دیکھتی ہوئی نکل جاتی ہے. اب وہ برقعے میں معلوم ہے مسلم ہی ہے تو اس کو سلام وہ کرتی ہی نہیں, ملے گئی نہیں آپ کو کہ کوئی اوڑھتے ملے, بلکہ وہ جان پہچان کی بھی ہوتی تو بھی نہیں کرتی کیونکہ وہ پہچان بھی نہیں پاتی ایک دوسرے کو, تو بھی نکل جاتی. تو اصل تو مسلمان دکھ رہی ہے وہ, تو اس کو سلام کرنا ہے. یا پھر کوئی برقع بھی نہیں بھی پہنتی تو اس کے لباس سے معلوم پڑ جاتا ہے مسلم پہچان ہے. آج بھی پہچان ہے مسلم عورتوں کی, وہ ان کا لباس الگ ہوتا ہے. کالج وغیرہ میں جو ایک الگ ویسی کہ ماڈرن مسلم ہے وہ الگ مسئلہ ہے کہ ادھر وہ چلے جائیں جن کا جو لباس بھی بدل گیا, لیکن عام طور پر جو شادی شدہ عورتیں ان کا لباس تو تقریباً ایسا ہی رہتا, تو وہ تو پہچان کے سلام کرے کہ سلوار سوٹ ہے یہ مسلم ہے. تو اس کو تو عورتوں کو خاص چاہیے کہ عورتوں کے اندر سے بالکل ختم ہو گیا, مرد کے اندر تو پھر بھی باقی ہے, لیکن عورتوں نے بالکل ہی ختم کر دیا, وہ تو کرتی نہیں سلام ہی نہیں کرتی.
बल्कि घुर घुर के निकल जाती है उसकी। तो उनको करना चाहिए, उनके लिए तो पहचान का मसला भी नहीं। तो ये ज़रूरी है कि इसको आम करें, तो इससे जो है माशरे के अंदर मोहब्बत पैदा होती है और आपसी मोहब्बत इससे बढ़ती है। और सलाम के अदब भी बताएं, ये सही मुस्लिम की रिवायत है, हदीस नंबर 2160 कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरी वो सब चीज़ें बताई कि ये सलाम कौन किसको करेगा। तो उसमें सब बताया कि छोटी जमात बड़ी जमात को सलाम करे, आने वाला जो बैठे हुए उनको सलाम करे, यानी मजलिस में वो आया तो वो सलाम करेगा, उल्टा ना करे। नहीं तो होता है कि हजरत आ रहे हैं तो सारे लोग दौड़ते सलाम करने के, जबकि चाहिए क्या, अल्लाह के रसूल खुद आते थे, साहबा बैठे होते थे, आप सलाम करते। तो सलाम ये है कि पहले जो आ रहा है वो सलाम करेगा, बच्चा बड़े को सलाम करे, लेकिन पहल करे वो अफजल है, जो पहल करे वो अफजल है। लेकिन ये है कि उसके अंदर अदब ये है कि बच्चे बड़े को सलाम करें। और इसी तरह जो है सवारी वाला पैदल वाले को सलाम करे, ये वसूल यहाँ पर उल्टा है, जबकि हमको ये लगता है कि अरे यार पैदल वाले को करना चाहिए सवारी वाले को, जा रहा है सवारी पर तो इसको सलाम करना चाहिए, वो जा रहा है, लेकिन यह उल्टा दिया गया। क्यों दिया गया, इसमें भी हिकमत है कि सवारी वाले सवारी पे जो है यानी घोड़े पर बैठा है या गाड़ी पर बैठा है तो वो पैदल वाले को सलाम करके जाए। क्यों, क्योंकि तकब्बुर तोड़ना था, क्योंकि आदमी में क्या होता है ऊपर जब बैठा होता है तकब्बुर आता है, तो उसको ये वो नीचे वाला करता है तो कहता लोग मुझे सलाम करते, तो उसके अंदर ये आई नहीं ये चीज़, उसके अंदर तकब्बुर घुसे ना, क्योंकि अदब ये बताएगा कि तुझे करना है इस नीचे वाले, तो वो कह के जाएगा भाई चलता हूँ अस्सलाम वालेकुम, तो तकब्बुर उसके अंदर नहीं आएगा, नहीं तो वो कहेगा कि वो चलता रहेगा उसको लोग उसको सलाम ठोकते रहे आसपास, तकब्बुर आ जाता है। तो ये उसूल भी बताया, इसके अंदर भी हिकमत है। तो तमाम उसूल सलाम के हमको बताए गए हैं। इतना सही मुस्लिम की रिवायत है कि हदीस नंबर 54 के अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि तुम ईमान ना लाओ, वो तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तुम आपस में मोहब्बत ना करो। वो क्या तुम्हें वो चीज़ ना बता दूँ जिससे तुम आपस में मोहब्बत करने लगो। साहबा ने क्या जरूर बताइए, बोले सलाम को फैलाओ, सलाम को आम करो, यानी कि सलाम की तरगीब हमको दिलाई गई और ये मुसलमान के हक में से भी है। और इसी तरह जो है सलाम के ताल्लुक से यहाँ तक उभारा गया कि सही बुखारी की रिवायत हदीस नंबर 6287 कि कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान से 3 दिन से ज़्यादा सलाम कलाम बंद ना रखे, ये गुनहगार है, 3 दिन से ज़्यादा उसको रखना ही नहीं। और उसके अंदर भी अफजल वो है जो पहल करे उसके अंदर, यानी कुछ उनके किसी इंसान हो जाता किसी बात में झगड़ा हो गया उनका, अब वो 1 दिन हो गया 2 दिन हो गया, लेकिन उसमें जो पहल करेगा वो अफजलियत पा जाएगा, उसके लिए जो है बरकत होगी, उसके लिए नीकी लिखी जाएगी, क्योंकि उसने पहल की शुरुआत की उस दुश्मनी को या जो भी उनके बीच में डिस्प्यूट हो गया था उसको ख़त्म करने की, तो वो ये करे। इस तरह अबू दाऊद की रिवायत है हदीस नंबर 5212 कि जब 2 मुसलमान मिलते हैं और मुसाफा करते हैं तो अल्लाह उनके जुदा होने से पहले उनकी मगफिरत कर देता है, उनको बख्श देता है। यानी कितना बड़ा इसका अजर सवाब उनको कि 2 मिलते हैं तो अल्लाह फिर उनकी मगफिरत कर देता है उनके जुदा होने से पहले, यानी हाथ मिलाया उन्होंने और मुसाफा किया उन्होंने, उस मिलते रहे वो जाते हैं उसके बाद तक उससे पहले उनकी मगफिरत कर देता है। यहाँ जो है छोटी गुनाह, यानी बड़े बड़े नहीं कि बड़े गुनाह कर रहा मिल लो मुसलमान से माफ, वो नहीं, छोटे गुनाह जो होते हैं वो उसके माफ़ हो जाते हैं। सगीरा गुनाह कबाइर के लिए तौबा करना ज़रूरी होती है। तो पहला हक ये है कि सलाम करे तो उसका जवाब दे। दूसरा हक जो है ये सही बुखारी की में भी आता है, ये रिवायत है कि हदीस नंबर 6223 कि छींक आए तो जवाब दे, यानी अगर वो छींके तो जो छींकने वाला क्या कहे अल्हम्दुलिल्लाह, और जो सुन रहा है तो ये उसके हक में से कि लाजिम है कि उसको जवाब दे कि रहमकुल्ला कि अल्लाह ने तुम पर रहम किया। और उसके बाद में और भी आगे भी हैं कि फिर जो जिसको छींक आई थी वो फिर जो है वो कहे कि ये अधिक अल्लाह हो युसले हबाला को कि अल्लाह तुम्हें हिदायत दे और तुम्हारे मामले की इसलाह करे, ये आगे तक पहुँचा, तो ये इसके अंदर कर सकते हैं। तो पूरा देना है ये वो, बल्कि इसकी तो तरगीब हमको दिलाना चाहिए क्योंकि ये ख़त्म होता जा रहा है, लोग छींक देते हैं और जवाब ही नहीं देते, बल्कि रोकते हैं छींक को लोग, और इसके बजाय क्या करते हैं छींक को रोकते हैं और जो जमाई जिसको बोलते हैं योनिंग वो उसको लोग जो है धड़ल्ले से लेते हैं, आराम से लेते हैं पूरा करके, पूरा ऑफिस में बैठा तो आगे आसपास तो लग जाए बेचारा थक गया, बोझ भी देख ले छुट्टी दे दे चलो तुम जल्दी घर चल जाओ थक गया, तो मैं उबास आने लग गया, तो वो आराम से ले रहे हैं उसके लिए कुछ वो नहीं देख रहा है। पर छींक में क्या होता है कि वो छींक को मुख्तसर कर लेता है, रुमाल निकालता है छोटी सी करके रख देता है, या फिर जो छींक कर दे तो क्या बोलना है
अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन छींक आती है तो क्या कहता, सॉरी सॉरी सॉरी, अल्लाह की तारीफ करनी है और वो यहाँ उल्टा काम हो रहा है, छींक दे तो सॉरी, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तारीफ करनी है और वो उसको हमको वो। तो ये तो गैर मुस्लिम को हम सिखा सकते हैं, उसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। वो क्या, वो तो उनका जो कल्चर ये हो चुका है, जो अंग्रेजों से आ गया, तो छींक करी तो सॉरी बोल दिया, तो वो अब वो थोड़ा उन्होंने ये देखा कि यार, लेकिन हमारे पास में निज़ाम है उसका। अब उन्होंने ये देखा कि यार आदमी जो पास में बैठा हुआ मोबाइल चला रहा है, एक छींका तो वो चमक जाता है, तो इसलिए वो सॉरी बोलता है उसको, तो वो उस कल्चर के हिसाब से उनके पास में। लेकिन हमको ये बताया गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप कहें तो भी पूछेगा, आप बताएं कि वो ये अल्लाह की तारीफ है। क्यों तारीफ है, इसलिए है क्योंकि एक आदमी जब छींकता है, ताजी मेडिकली भी प्रूफ है, एक आदमी जब छींकता है तो उसके आजा जवारे जितनी आँख नाक और उसका हार्ट भी कुछ नैनो सेकंड के लिए बंद हो जाता है, सेकंड के लिए उससे भी कम जो हिस्सा होता है उस वक्त के लिए सब बंद हो जाता है उसका। तो बंद हो जाता है तो उसके बाद में जब फिर वापस वो चीज़ आ जाती है तो फिर वो कहता है कि अल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरी तारीफ है कि तूने मुझे वापस लौटा दिया, वापस आ गया, यानी सब कुछ बंद हो गया। तो बंद हो जाता तो क्या होता है, मर जाता है इंसान, तो वापस आ गया तो उसके लिए वो, तो इसकी मेडिकली भी प्रूफ है, इसका साइंस प्रूफ भी है, तो इस वजह से। और बल्कि हमको तो इसलिए करना है कि हमारा बताया गया सुन्नत है, तो हमको इसलिए, बल्कि इसको तो हमको फैलाना चाहिए, आगे फैलाना चाहिए कि उसको तरगीब दिलानी चाहिए कि किसी ने अगर छींका और मुसलमान है वो नहीं कह रहा तो आपको बोलिए भाई अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, फिर मैं तुमको जवाब दूंगा और फिर तुम मुझे ये जवाब देना, ये आपने तरगीब उसको दिलाई, वो दिलाना चाहिए तरगीब, इसको सिखाना चाहिए एक दूसरे को, क्योंकि आदत डालनी पड़ती है और हक में से है तो फिर तो बहुत जरूरी हो गया सिखाना, तो इसको सिखाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लम के ताल्लुक से मिलता है ऐसा वो भी सिखाता है। एक बार अबू तलहा रजी अल्लाह ये जो है अल्लाह के रसूल सल्लम के खेमे में ऐसे ही आए, वो दाखिल हो गए, कुछ काम से आए होंगे, जल्दी से आकर दाखिल हो गए, लेकिन उसमें ये है कि सलाम किया जाए, कुरान के अंदर ही किसी की घर जाओ पहले तो सलाम करो, तो उन्होंने सलाम नहीं किया और इजाज़त तलब करे, फिर वो कह देखे मैं आ सकता हूँ तो आ जाइए, तो आ जाइए, ये भी अदब में से। तो वो उन्होंने जैसे ही सलाम किया, सलाम वो गए और सीधे चले गए, तो अल्लाह से उनका कि ऐसे ही, तो कहा कि अलग से मैं भूल गया था, तो बोले भूल गए चलो वापस जाओ बाहर, फिर बाहर भेजा, फिर उन्होंने सलाम किया और फिर इजाज़त मांगी कि मैं आ जाऊँ अंदर, अलग से कहा आप आ जाओ, तरकीब दिलाई ताकि अब आइंदा से भूले ना, तो सिखाया हमको। तो इस तरह से साहबा ने तरबियत की, तो हमको भी चाहिए कि हम इसको जो है सिखाएं, जिन पता नहीं है तो उसको भाई कि भाई ये है अमल, ये करना चाहिए, तो सिखाएंगे। और अगर वो इसको करता रहेगा, एक बार सिखा दिया आपने और ता जिंदगी वो करता रहेगा, उसके बच्चों को सिखा देगा, उसके रिश्तेदारों को सिखा देगा, सबका अजर सवाब आपको मिलता रहेगा। अब मर भी जाएंगे तो भी आपको चलता रहा, आपने शुरुआत किया था उसके खानदान के अंदर तो चलता रहेगा। तो अदब अखलाक पूरे बताएं, मोरल जो भी है इस्लाम के अंदर सब बताएं, सूरह नूर पढ़ें आप, सूरह नूर के अंदर समाजी अखलाक पूरे बताएं क्या क्या है, घर जाएं किसी के तो किसे जाना है, सलाम करके जाना है, और यहाँ तक कि ये भी है कि कोई अगर मना कर दे कि घर पर मत आओ तो ये तो बड़ा बुरा समझा जाता है हमारे यहाँ पर, कि कोई आदमी अगर किसी घर पर जाए और बेल बजाए, उनने कहा कि भाई अभी बिजी हूँ तो आधे घंटे बाद में आ जाना, मैं टाइम निकाल के आया, तो टाइम निकाल के आया तो बोले मैं इतने दिनों में आया और तुम जो है दरवाजे से ही कह रहे हो मेरे को, लेकिन ये हुक्म है, इस पर आप पूछ नहीं सकते उससे, उसने कह दिया कि एक घंटे बाद मिलूंगा, एक घंटे बाद आना तो आपको जाना है, नहीं तो ये खिलाफ है सुन्नत है और खिलाफ है शरीयत, आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर आप तो आपका टाइम निकाल कर आ गए हैं, लेकिन उसका टाइम आपने पूछा उससे, कि आपने उसको, उसने आपको बुलाया, प्राइवेसी का इतना ध्यान रखा गया है। सूरह नूर की आप तफसीर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई, खाने के ताल्लुक से बताया गया कि खाना खा सकते हैं, मिल के खा सकते हैं, अकेले खा सकते हैं, पूरा समाजी निज़ाम उसके अंदर सूरह नूर के अंदर बताया गया, माशरती निज़ाम, तो ये भी उसमें से हैं, तो यह हक में से हैं कि जब वो छींके तो फिर वो उसका जवाब दे। तीसरी चीज़ के जब वो बीमार हो जाए तो उसके आदत को जाए, ये भी हक में से, उसको हक अदा करना है, बीमार हो जाए तो वो उसमें जाए, ये सही बुखारी की रिवायत में मिलता है, सही बुखारी हदीस नंबर 1240 के पांच हक है, और हक है यानी कि देना, हक उसी का आ जाता है यानी कि उसको अदा करना पड़ेगा। तो जब बीमार हो जाए तो वो उसके आयादत को जाए, अल्लाह के रसूल सल्लम बीमारों की आयादत को जाया करते थे और उनके लिए तोहफे ताइफ ले जाया करते थे, और इसका क्या है कि हम इसका कैलकुलेशन नहीं करते, असल इसका सवाब कितना है, इसका सवाब मैं बता भी चुका हूँ, कई बार बताया भी है कि इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो इतना इसका सवाब है, जैसे हम एक अमल करते हैं, ज़्यादा सवाब के लिए हम अमल करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो सुनन नसाई की रिवायत है हदीस नंबर 6663
कि जब इमाम ये कहता है समी समीउल्लाहु लिमन हमीदा, तो हम कहते हैं कि हाँ कि लब्बना लकल हम हमदन कसीरन तैयबन मुबारकन फी। जब ये कहते हैं तो इसके अंदर कि अल्लाह की बहुत ज़्यादा तारीफ़ है, वो पाकीज़ा है और जिसने बरकत दी है। तो ये जब एक सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लम के पीछे रब्बना लकल हम्द और हमदन कसीरन, ये जब ये कहा तो वो अल्लाह के रसूल सल्लम नमाज के बाद पलट गई, ये अल्फाज किसने कहे थे? पहले तो सहाबा डर गए कि कुछ गलती हो गई, तो उन्होंने कहा, फिर एक साहब ने कहा कि हाँ मैंने कहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहे थे, तो उन्होंने कहा कि देखो अगर तुमने कहा तो मैंने देखा कि तुम्हारे अल्फाज को लिखने के लिए 30 फरिश्ते सबकत हासिल कर रहे थे, यानी दौड़ रहे थे कि मैं लिखूँ मैं लिखूँ मैं लिखूँ। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको बोलते हैं नमाज के अंदर। अब बल्कि ये तो नमाज के अंदर ख़त्म हो गया है, बोलते तो क्या है, कुछ ही लोग बोलते होंगे लेकिन ख़त्म हो गया कि नमाज के अंदर से बोला जाए, बोलने में से ही कि इस तरह से, क्योंकि नहीं तो खामोशी से ही पूरी नमाज खत्म हो जाए। जब भी रब्बना लकल हम्द हो तो उसमें इसको थोड़ी सी तेज़ आवाज़ में बोला जाए, क्योंकि तेज़ आवाज़ में बोला तभी अल्लाह के रसूल ने सुना और पलट कर फिर पूछा कि किसने बोला था, तो इसको बोलना चाहिए। ये भी सुन्नत है जो मिट सी गई आज। तो अब ये बीमार पोसी का, अब ये इतना सारा सवाब है कि 30 फरिश्ते उसको लिखते हैं। अब बीमार पोसी का सवाब हम देखें, अब इसके लिए हम इसको करते हैं क्योंकि इसके अंदर 30 फरिश्ते लिखते हैं, तो हम इसको करने की कोशिश करते हैं। भले ही धीरे बोलते हैं लेकिन बोलते जरूर हैं जो जानते हैं उसको। ये सही मुस्लिम की रिवायत है, हदीस नंबर 2568, कि जब कोई शख्स बीमार पोसी के लिए निकलता है, अल्लाह ने फरमाया कि जब कोई शख्स बीमार पोसी के लिए निकलता है तो अगर वो शाम को निकलता है तो सुबह तक, और अगर वो सुबह निकलता है तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसकी मगफरत की दुआ करते हैं। और जब तक वो बीमार पोसी करता रहता है, यानी उसके पास में बैठा रहता है, उसकी खिरखवाई करता रहता है, उसको तसल्ली देता रहता है, तो वो जन्नत की क्यारियों में से चरता है और वहाँ घूमता रहता है। कितना बड़ा सवाल, 70,000 फरिश्ते मगफरत की दुआ कर रहे हैं, फिर वो जन्नत की क्यारियों में से चर रहा है, यानी वो बोल रहा है मतलब खा रहा है वो, और वहाँ पर वो घूम रहा है। इतनी इसकी ज़्यादा फजीलत बताई गई। तो 30 फरिश्ते लिखते तो हम करते हैं, तो ये भी है कि 70,000 फरिश्ते जब उसके लिए दुआ करते हैं तो ये हक है, ये मुसलमान का हक है, उसको देना चाहिए। ये नहीं कि आदमी के कह रहे ये फलां तो बार बार बीमार हो जाता है, कितनी बार जाऊँ इसको, कोई आदमी ऐसा रहता है बूढ़ा है यही पे बार बार हो जाता है बीमार, या किसी को बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, कम उसका जिसमें ऐसा ही है, तो फलां बार बार बीमार हो जाते हैं। लेकिन अब बार बार बीमार हो जाते, लेकिन ये बीमार होते तो आपको मौका देते 70,000 फरिश्तों की मगफिरत की दुआ करवाने का, तो आपके लिए तो अच्छी बात है, 5 मिनट वक्त निकाल के बाद। तो बीमार पोसी के अदब का भी ध्यान रखें इसके अंदर। अदब क्या है उसके, ये उसके जाकर खैरख्वाही की बात करें, उसके लिए दुआ करें, उससे दुआ भी ले, क्योंकि ये दुआएं भी हैं जो सिखाई गई अल्लाह के रसूल वसल्लम ने। सही तिर्मिजी की रिवायत हदीस नंबर 2087 कि जब हजरत अली बीमार हो गए तो अल्लाह के रसूल वसल्लम उनके पास में गए और उनसे जाकर ये कहा लाबासा तहरुन ईशा अल्लाह, कि ये बीमारी पाकीज़गी का सबब बनेगी और इससे अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को झाड़ देगा। तो यानी कि उसके लिए दुआ भी करें। और मोमिन को बीमारी आती है तो उससे क्या होता है, उसके गुनाह झड़ते हैं। तो वैसे नहीं कि बीमारी को मुझ में ही क्यों बीमार होता हूँ, सबसे जैसी सर्दी आई तो मुझे सर्दी, जैसे ही कुछ हुआ तो मुझे, तो सबसे मैं इन्फेक्टेड होता हूँ, तो ये इसके गुनाह झड़ते हैं, इससे गुनाह झड़ते हैं। एहतियात अपनी जगह वो रखें, इसमें भी आदमी के बीमार होने लगे चलो गुनाह झड़वाऊँ मेरे बीमार हूँ वो मसला भी नहीं है, एहतियात तो रखना है, लेकिन ये है कि अगर हो जाता है तो उसके गुनाह उससे डरते हैं और उसके अंदर से जो है वो दूसरे उससे पूछने आता तो उसको सवाब उसका मिलता है। तो अदब का लिहाज भी रखें, वहाँ पर जाएँ हॉस्पिटल में जा रहे हैं उसके घर जा रहे हैं तो उसका भी अदब रखें कि मुख्तसर रुके वहाँ पर, उसको दुआ दें और खैरख्वाही तलब करें, कुछ तोहफे हैं फ्रूट्स हैं कुछ खाने का आइटम ऐसा तो उसके साथ में ले जाए, और उसके और उससे भी दुआ भी करवाएं, क्योंकि अल्लाह मुसीबत जदा की दुआ को सुनता है। तो उससे भी भाई आप बीमार हैं और ये जो है अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि आप मुसीबत दजा की दुआ को अल्लाह सुनता है, तो हमारे लिए भी दुआ करो, आप दुआ करें तो उनसे दुआ भी करवाएं और फिर जल्दी से वापस आ जाएं। ये नहीं कि वहाँ गए तो अरे इनके घर पे गए चाय तक नहीं पूछी इन्होंने, अस्पताल में गए पूछ ही लेते पिलाते मत, पानी नहीं पूछा इन्होंने, ये नहीं किया। तो ये आप क्या इसलिए गए थे कि आपके खातिरदारी करवाने गए थे, मेहमान बन के गए थे, मैं जा उसके जो बीमार पोसी करने गए, तो ये मसला नहीं है। आप गए वो पहले ही परेशान, कौन उनके वहाँ उनके पता ही नहीं चल रहा, अस्पताल के अंदर है तो घर पूरा उनका बिखरा हुआ है,
काम को चाय पिलाएंगे, पैसे का मसला है, क्या मसला, कुछ भी हो सकता है, उनको ध्यान ही नहीं रहा होगा कि इतने टेंशन के अंदर आपके लगा रहे कि हम गए तो हमारी इज्जत नहीं की गई, ये नहीं किया गया, तो ये सीजी फॉर्मेलिटी उसमें नहीं है। तो ज़्यादातर का मामला अब या फिर उसे खेर खुआई नहीं करते लोग, जाते हैं तो लोग ऐसे भी जाते हैं मस्करी पने करते हैं, मस्करे या फिर जो है लोग बोलने में ध्यान नहीं रखते, वो पहले से बीमार पड़ा, वो बीमार की जो तकलीफ होती है ना वो खुद समझ सकता है, दूसरा थोड़ी उसके अगर पेट में दर्द है तो दूसरा थोड़ी उसको मालूम पड़ेगा कि यार इसको क्या है, तो बीमार जो होता है ना उसकी तकलीफ उसको ही होती है, दूसरा सिर्फ हम उसको उसकी तकलीफ को देख सकते कह सकते हैं कि अरे बेचारे को बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन तकलीफ तो महसूस नहीं कर सकते उस, तो अब उसके अंदर भी लोग जाकर जो है उसको फिर सुनाते हैं क्या हुआ, अरे अच्छा ये हो गया, अच्छा ये हुआ, हमारे भी एक पड़ोसी थे, उनकी उम्र भी तुम्हारे लगभग ही रहेगी 30-35 साल, ये बीमारी हुई, अस्पताल एडमिट कराया, डॉक्टर ने मना कर दिया, बाहर ले गए, फिर वहाँ 2 दिन भर्ती रहे और डॉक्टर ने जवाब दे दिया घर ले जाओ, और फिर वो निपट गए। अब बताइए, अब उसको ये करते हैं लोग जाकर उसको सुनाते ही, अब वो सुनाए तो अब ये बताए कैसी खेर पाई, अब वो बेचारा पहले ही उसमें था और उसके ऊपर और शौक लग जाता, नहीं भरता था आप मार देंगे उसको या फिर उसको बीमार ठीक नहीं मिले, तो इसका भी ध्यान रखें कि बोल पे ध्यान रखें, अच्छी बात उससे करें और उसको जो दुआएं दें उससे दुआएं लें और खेर खुआई कर अच्छी बात करें, मुख्तसर रुके तसल्ली दें, दुआ करें वापिस आ जाएं, ये नहीं कि लोग बाग, नहीं तो इसे भी करते कई लोग, अब वो एक पेशेंट भर्ती है उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया, अब उस पर पट्टा चढ़ गया या सूजन आ गई, गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, तो लोग अब ये खुद डॉक्टर बनते जाने वाले लोग, डॉक्टर अस्पताल में एडमिट है, फिर वो जाकर कहाँ पर हुआ, बोले कहाँ हुआ, यहाँ पर, दिखाओ दिखाओ दवा, तो अरे दुख रहा है, अरे भाई ऐसा तो होता रहता, अरे भाई फला उसके पास ले, अरे जरा सा खींच देंगे अभी सही हो जाएगा, कहाँ तुम अस्पताल में एडमिट होगे, बेचारा उसको मालूम है आपका काम से पूछना है, उसकी मर्जी से आया वहाँ पर, तो लोग इसके अंदर ये भी करते, या फिर लोग और फिर उसको यानी खाने के लिए ले भी जाते हैं, तब अपनी मर्जी से ले गया वो, फ्रूट ले गया या कोई ऐसी चीज़ ले गया, लेकिन अब डॉक्टर से पूछ के दें आप उस, तो बीमार है तो उसके लिए वो है कि हो सकता है फूड, कभी कभी ऐसी बीमारियां भी आजकल होने लगी जिसमें फ्रूट भी नुकसान करता है, कि उसके अंदर विटामिन बढ़ गया, उसको डॉक्टर मना कर देता है कि तुमको ये नहीं खाना, दाल नहीं खाना, तुमको ये फ्रूट नहीं खाना, तो ऐसी बीमारियां भी होती है, तो आप बोला कि अरे ये तो क्या है, सिंपल है इससे तो, ये तो कहावत है कि एक सिंपल रोज खाओ डॉक्टर से बच जाओ, तो खाओ सिंपल, अरे उसको मना किया डायबिटीज से क्या मामला उसकी बढ़ी हुई है, तो पहले पूछ कर दे, ये नहीं कि अरे ये डॉक्टर तो बोलते रहते खाओ तुम तो कचौरी खा लो से पेट में छाले हो रहा आपने खिला दिया मारे, तो ये है कि हम जबरदस्ती किसी से ना करें, इसको अदब और अखलाक का उसका ख्याल रखें, डॉक्टर से पूछ कर भी उसको खिलाना चाहिए। इसी तरह जो है ये जो लोग प्लास्टर चला रहता, लोग आजकल उस पर भी नई नई कारनामे करते हैं, पेंटिंग प्लास्टर के ऊपर, प्लास्टर जा रहा था कोई इसने स्टिकर चिपका दिया, कोई जाकर उस पर कुछ बांध देता है, इस पर बांध दो सही हो जाएगा, या फिर कोई इस पर लिख रहा है, कोई कलमा लिख देता है उसके ऊपर कि कलमा लिख दो, इस पर कुरान की आयत लिख दो सही हो जाता है, प्लास्टर पे वो पेंटिंग चालू उस पर रखे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें नहीं है, ये सब चीज़ें, और बल्कि गुनाहगार भी हो सकता है कि उसने लिख के चला गया, वो बेचारा बाथरूम जा रहा है कुरान की आयत के साथ, तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो ये है कि मुख्तसर रुके और आ जाए, और इसका बड़ा अजर सवाब है, तो ये मुसलमान का हक में से जो उसको अदा करना चाहिए। इसी तरह जो चौथा हक है कि जब इंतकाल हो जाए, जब मर जाए मुसलमान, तो उसके जनाजे में वो जाए, और इसकी फजीलत तो इतनी बताई अल्लाह के रसूल सल्लम ने सही बुखारी की रिवायत हदीस नंबर 1325 के जनाजे में जाए, तो इसका बहुत सवाब है, कि उसको कितना सवाब है कि एक किरान का सवाब, एक किरान यानी अगर वो नमाज तक रुकता है, यानी उसकी जनाजे की नमाज पढ़ता है, तो उसको एक किरान का सवाब मिलता है, और अगर वो तदफीन तक रुकता है यानी जब उसको दफन करते वहाँ तक रुकता है, यानी जब वो मिट्टी देने तक रुक जाता है, तब उसको 2 किरान का सवाब। अब किरान क्या है, साहब ने पूछा किरान क्या है, तो किरान की वो नेकी है कि जो ओहद पहाड़ के बराबर है, ओहद पहाड़ कितना बड़ा है, 8 किलोमीटर का पहाड़ है, तो आप सोचिए 2 वहाँ तक रुकता है तो 2 किरान का सवाब, यानी 16 किलोमीटर की नेकियाँ, इतनी सारी नेकियाँ भरी हुई उसको, इतना सवाब है ये, लेकिन कब मुसलमान के हक देने का, इसके इत्ताम को इसमें मिलता है, तो ये हक है, इसको अदा करना है। तो जब भी अगर कोई मर जाए तो उसकी जो मुसलमान का हक है उसमें जाया जाए। इसी तरह जो है पांचवा हक उसका है कि दावत दे, दावत दे तो उसको कबूल करे, अगर कोई शरी उज्र नहीं है तो उसको कबूल करना चाहिए, शरी उज्र नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, ऐसी दावत नहीं दी उसने, तो फिर उसका इनकार ना करे, उस दावत को वो कबूल करे, जो शरीयत के खिलाफ ना हो, ऐसी दावत हो गैरुल्लाह के नाम का, अगर हम खाना खिला रहे, कोई बिदअती रस्म रिवाज का खाना खिला रहा है, तो उस पर वो
उसको जो है वो उसके अंदर मना कर सकता है, लेकिन यह है कि वो अगर आम दावत है तो उसका इनकार ना करें। दावत के उसूल भी बताए गए हैं कि दावत कौन सी दावत हमारे लिए सूटेबल है, तो उसके उसूल उलमा ने बताए, उसके जो बताए कि तीन चीज़ें आपको उस पर देखना है खाने के ऊपर, तो वो आपके लिए खाना जायज़ हो जाता है। पहला कि जो खाना जो खिलाया जा रहा है वो खुद से हलाल होना, यानी खुद की जात से, ऐसी की जायत नहीं होना जो मना की गई हो। तो शरीयत ने मना किया कि वो जो खाना है वो खाना जो हराम नहीं होना, या हराम जानवर का नहीं होना, ऐसे वो उसमें आप उसको देखेंगे वो हलाल हो। दूसरा, जिस माल से वो खिला रहा हो उसकी कमाई भी देखेंगे, उसको किस ये काम क्या करता है, इसका जो माल है ये सही है कि नहीं, और ये माल अगर उसका हलाल है तो फिर आप वो खाना खा सकते हैं। दो, तीसरा ये कि उसकी निस्बत क्या है खाने की, खिलाने की, किस वजह से खाना खिलाया है, तो निस्बत तीनों चेक करें आप, तीनों चीज़ अगर उसमें सही बैठती है तो खाना आपके लिए हलाल होता है, ये उसूल उलमा ने बताए। तो ये तीनों चीज़ चेक करें, उसके बाद उसकी दावत को करो, दावत फिर आप उसको कबूल भी करें और जाएं भी। और इसके अंदर जो है अगर दो दावत या दावत ऐसी आ जाए, दो दावत आए तो पहली दावत जो आई है उसको आपको कबूल करना पड़े। ये नहीं कि अरे पहली तो थोड़ी आदमी ऐसा ही था, यहाँ चलो बफेट या अच्छे पकवान मिलेंगे और ये क्या खिला देगा यार, तो वहाँ जाए, ऐसा नहीं। पहली दावत उसूल ये है कि पहली दावत आपने कबूल कर ली तो पहले आपको जा सकते हैं दोनों जगह, जाए वहाँ पर भी जाए मुख्तसर खा के, फिर उसके वहाँ भी जा सकते हैं, वो आपका मसला, लेकिन ये है कि कबूल करे दावत को और दावत दे। और दावत तो मामला ये हो है कि शादियों की दावत, ये तो खैर शरी है अगर कुछ शादी की दावत देता है, लेकिन ये इसके लिए तो ध्यान रखने की आज ज़रूरत है कि आज बिल्कुल वो हो गया है कि बेचारे गरीब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना हदीस के अंदर के जो ऐसा वलीमा के ताल्लुक से फरमाया कि ऐसा वलीमा बेकार वलीमा है, हदीस के अंदर गरीबों को दावत नहीं दी जाए, और आज तो गरीबों को दावत दी नहीं जाती, भले रिश्तेदार भी हो गरीब है तो भी उसको बहुत इसरार भी नहीं किया जाता, और उसके साथ किसी के साथ में उसके रुकिया भिजवा दिया जाता है, कार्ड भिजवा दिया जाता है, आए तो आए तो नहीं तो कोई बात नहीं, गरीबों को बुलाई नहीं, या गरीब आते भी हैं तो उनको बेचारे को बैठा के रखते हैं, रुको अभी अभी इनको तो खाने दो जो पैसे वाले भूखे हैं, ये तो खा लें उसके बाद फिर तुम्हारा नंबर आएगा, और उनको बिठा कर रखते हैं, फिर बचा कुचा होगा तो फिर देंगे, आखिरी में बचेगा तो ठीक है, वो बेचारे रात तक ठंड है तो ठिठुर रहे हैं बाहर बैठे बैठे, उनके बच्चे भी लग रहे हैं, तो उनको नहीं दिया, तो गरीबों को नहीं देते और उसको दिया जाता है। तो दावत में इस चीज़ का भी ध्यान रखें, और ये है कि इसको कबूल करें, क्योंकि दावत और दावत ऐसा नहीं है कि आदमी इसके अंदर बेला वजह की फॉर्मेलिटीज़ करे, नहीं तो ये भी आजकल बड़ी फॉर्मेलिटी वाला काम है, क्योंकि एक रिवायत एक हमको मिलता है हजरत हसन, उनका ये हमको मिलता है कि वो एक बार वो घोड़े से जा रहे थे और कुछ लोग मजदूर लोग बैठे थे और नीचे वो खाना खा रहे थे, उनके पास कुछ भी नहीं था बिछाने को, ना कपड़ा ना रखा भी, प्लेट कुछ नहीं थी, वो नीचे ही रखकर खा रहे थे, ना पेपर भी नहीं था कुछ, तो वो नीचे ही रखकर खा रहे थे, तो उनको उन्होंने दावत दी कि आइए हमारे साथ में खाना खाइए, तो वो उसी वक्त उतर गए और उतर के उनके साथ में नीचे ही बैठकर खाने लगे, जबकि ज़मीन पर रोटियां पड़ी थी। दूसरे उन्होंने कहा कि आपकी शान को लायक नहीं कि आप इस तरह से बैठकर और इनके साथ नीचे बैठकर खाएं, तो कहा कि नहीं, क्योंकि किसी ने दावत दी तो उसका इनकार नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते। तो ये कि रास्ते में दावत दी बैठ गए, अब कौन है वो, अल्लाह के रसूल वसल्लम के नवाज़ से, तो जब वो बैठ रहे तो फिर हमारे पास में क्या फॉर्मेलिटी कि नहीं ये कैसे हो सकता है कि अब हो सकता है बेचारा आदमी कोई भूल जाए, तो हमको पहले से क्यों नहीं बताया, जमाने में कार्ड वार्ड दिए और आज खाना है शाम को और तुम दोपहर में फ़ोन कर रहे हो कि खाना खाने आ जाना, हम क्या भूखे नंगे हैं हमारे घर से, अरे भाई भूल गया होगा, गलती हो गई उससे, तो जब दावत दे रहा है ना तो हक में से तो है कि मुसलमान ने आपको दावत दी तो कबूल करना है, चाहे उसी वक्त भी देखो खाते खाते भी उसको याद आ गया कि अरे यार उनको तो भूल ही गया दिख नहीं रहे, तो उसी वक्त फ़ोन लगाया तो आपको कबूल करना है, ये बिला वजह की फॉर्मेलिटी, कार्ड वार्ड तो हमने बना लिए, नहीं तो ऐसे कि कार्ड वार्ड कुछ था ही नहीं पहले, तो ये तो जुबान से कह देना काफ़ी है, और जिस वक्त कह दे तो उसको, तो ये रस्में जो है ये रस्में तो हमारी दुनिया भी बनाई हुई है कि इसके लिए अलग अलग, पहले तो एक उसको पहले भेजा जाएगा एक महीने पहले मनुहार पाती, अरे रोज मिल रहा है तुम्हारा काहे के मनुहार करना, रोज़ तो मिल रहा हो फिर भी उसको भी देंगे मनुहार, इसको भी देना है, और नहीं दे तो बुरा मानता हो, अरे मनुहार पाती उनको भी दे तो समझ में आता है कि जो आदमी दो साल से नहीं मिला तो अरे यार दो साल से मुलाकात नहीं, तो पहले उनको वो भेज दे ताकि कि यार हमारे यहाँ शादी वादी है तो कुछ गिले सिकवे दूर कर लो ताकि शादी में हम बुलाए तो आ जाए, अब रोज़ मिल रहा तो उसको नहीं दे तो वो ना आ रहा हूँ, वहाँ इतनी दूर तो उन्होंने भेज दी और हमको नहीं दे रहा यहाँ पर नहीं बुला, जरूरत ही नहीं है, ये सब बिला वजह की फॉर्मेलिटी हमने बना ली,
कार्ड नहीं दिया तो आदमी नहीं आ रहा है, मुंह से कह दिया इतना काफ़ी है, कार्ड वगैरह ये सारी चीज़ें, तो ये हक में से बुलाए तो उसकी दावत को कबूल करे, बिना अगर कोई शरी उज़्र नहीं है तो उसके वो खाने को खाने जाना चाहिए। इसी तरह जो है छठा हक उसका ये है कि अगर वो उससे मशवरा मांगे तो उसको वो मशवरा दे, और अच्छा, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया सही मुस्लिम की रिवायत हदीस नंबर 55 कि दीन खैर ख्वाही है, यानी पूरा दिन खैर ख्वाही, तो जब वो तुमसे मशवरा मांगे किसी मामले के अंदर तो उसको तुम मशवरा दो, वो दीन के मामले में मांगे तो दीन के मामले, तो अगर गलत भी कर रहा था आप उसको अच्छा मशवरा देंगे, उसको नसीहत करेंगे दीन के मामले, वो दुनिया के मामले में भी सही सलाह दे जो आपसे वो मांग रहा है, वो दीन के मामले में वही चीज़ बताए जो आपको मालूम हो, बिला वजह भी ना बता, नहीं तो लोग बाग ये कि ज़्यादा कि चलो ये नहीं यार ऐसा ऐसा कर सकते हैं फला फला वो, अरे वो मैंने सुना था फला उन्होंने कहा था, तहकीक के मालूम ही नहीं, खैर गलत मसला उनको बता दिए, हाँ ऐसे भी हो जाती है नमाज, हाँ ये ऐसे भी किया जा सकता है, हाँ ये फला फला इतनी बार पढ़ लो तुम्हारा ये काम हल हो जाएगा, आपको शरी इल्म हो तो आप बताएं, बिला वजह ना बताएं, नहीं तो ये वबाले जान बनेगा, और हक में से उसके तो हक मारने में से अगर रोज़े क़यामत तो अल्लाह तो आपने गैर शरी चीज़ें बताई जो साबित नहीं थी तो उस पर भी पकड़, और दूसरी के उसका हक मारा उस पर भी पकड़, डबल पकड़ हो जाएगी, तो आपको अगर मालूम है सही तो फिर सालू मालूम तो उसको बताएं, और दुनियावी मामला में भी आपसे पूछे तो आप बताएं, जिस बिजनेस के आप माए आपसे पूछ रहा है यार ये बिजनेस कैसा है, और आप बड़े धड़ल्ले से कमा रहे हो उससे अच्छे खासे, लेकिन वो आपसे पूछ रहा है क्या तो ये धंधा कैसा तुम्हारा मैं भी डाल लूँ, तुमको इसका एक्सपीरियंस भी है बता दो माल कहाँ से लाए ये वो फला, तो आदमी क्या है बच्चा ने उसको बताने का, अरे अरे बेकार है मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ उससे यार, मैं तो कब से सोच रहा हूँ उसको चेंज करो, अब तुम क्या करोगे, बेकार काम है ऐसा है नुकसान होता फला होता बहुत ये रहे वो सा, आप चाह ही नहीं रहे कि वो उसके अंदर आए, अगर आपसे खैर ख्वाही मुसलमान है खैर ख्वाही पूछ रहा है आपसे मशवरा ले रहा है कि ये काम कर लूँ मैं, आपको बताना पड़ेगा चाहे आपका धंधा, क्योंकि पहले तो अब आदमी ये सोचता है कि यार मुझे नुकसान हो जाएगा इसको बता दूंगा, और पड़ोस में दुकान डाल ली मेरी मोहल्ले में दुकान डाल ली तो आधे गिरा तो इसके पास चले जाएंगे। सूरह जुमर में अल्लाह ने फरमाया सूरह नंबर 62 आयत नंबर 11 में कि वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, कि अल्लाह बेहतरीन रोजी देने वाला है, वो बेहतरीन वो रोजी, तो उसके नसीब का होगा तो वो ले जाएगा, आपके नसीब में जो है वो खींच के नहीं ले जा सकता है, चाहे उसकी आप जैसी 10 दुकान भी लग जाए वहाँ। और ऐसा होता है आदमी ये सोचता है कि ऐसे नहीं होता, एक जगह हम खाना खाने के लिए जाया करते थे बहुत वक्तों से जा रहे हैं 2-3 सालों से, वहाँ एक ही दुकान थी, वो दुकान बहुत सारी खाली पड़ी सब बंद, और एक अकेलौती दुकान थी, तो वो बड़ा उसके अंदर वो दुखी भी रहता था क्योंकि वो खाली वीकेंड पे चलती थी यानी संडे वगैरह पे चलती थी, और एक उसके बाद में 2 साल बाद किसी ने उसके पास में एक दुकान खोलने का प्लान किया तो वो बड़ा टेंशन में गया, तो बोले अरे भाईजान को दुकान खुलने वाली मेरे पास में और मेरे जिस, तो मैंने कहा इससे क्या फ़र्क पड़ा खुलने दो, अरे पहले ही तो गिरा की नहीं है और फिर तो और मसला हो जाएगा ये, अरे मैंने कहा ऐसा नहीं होता, जितने लोग बढ़ते हैं और होता ये है जितनी दुकान बढ़ेगी एक जैसी बढ़ेगी उतना ज़्यादा वहाँ पर गिराकी आएगी और इतने कस्टमर ज़्यादा आएंगे, लेकिन वो बहुत परेशान रहा वो, उसके बाद वो दुकान खुल गई, फिर जैसे ही वो खुली तो एक और हो गई, उसके बाद में 4 हो गई 5 हो गई, आज ये है कि वहाँ आलम की जितनी दुकान थी सब खुल गई, सब खाने की दुकान थी, वो खाने की दुकान थी, और अब मैंने उससे जाकर पूछा तकरीबन 1-1.5 साल हो गया सारी दुकानें चल रही, मैंने क्या अब क्या हुआ गिराकी, अरे अब तो इतना शानदार हो गया है कि पहले जैसे, क्योंकि पहले उसकी एक दिन चलती थी संडे को और आज उसकी रोज़ चलती है, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ कि वो फूड जोन बन गया पूरा, और जब जिसको भी खाना होता है तो वो कि खाना खाना है तो बोले नाश्ता करना है बोले वहाँ आज पर जाओ, तो पूरी सारे के सारे लोग वहाँ पर आने लगे, तो उसकी दुकान पहले से 10 गुना ज़्यादा चली, तो ऐसा नहीं होता है कि दूसरा खोल लेगा तो आपकी बंद हो जाएगी, देखिए अल्लाह इतने सारे जराए निकालता है, तो खैरख्वाही करे और किसी का किस्मत का जो लिखा हुआ है वो दूसरा नहीं ले जा सकता है, तो इस मामले में जो है हमको रहनुमाई उसकी करना है, क्योंकि हक में से तो हक वो मशवरा हमसे मांगता है, चाहे पढ़ाई का मसला कि एक वालदेन आपसे पूछ रहे हैं क्या मेरे बच्चे को एडमिट करवाए एडमिशन करवाना है कौन से कॉलेज में कराए, अब आप उसका बाप दे रहा है ये तो ये बच्चा बड़ा होशियार है पढ़ने में, मेरे बच्चे की क्लास में जाएगा तो उसकी रैंक नीचे हो जाएगी, तो उसको दूसरा रही यार वो तो बेकार मैंने कराया मज़ा नहीं आया टीचर ये है फला है कोर्स अच्छा नहीं वहाँ डाल दो उसको, ये आपने गलत मशवरा दिया, तो ये सब जो भी किसी भी मामले के अंदर आपसे खैर ख्वाही का मसला तलब करे तो आप उसको जो है हक बात बताएं जो है, क्योंकि दीन खैर ख्वाही का नाम तो इसमें खैर ख्वाही करें, इसी तरह जो है और इसके अंदर ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ तो इसमें सिर्फ ये नहीं कि सब हम सोचे कि मर्दों के लिए ही है औरतों के लिए नहीं, औरतें इसमें शामिल है सब उनको भी करना है अलग से उसके लिए बयान करने की ज़रूरत नहीं है, ये औरतों को भी करना है,
ये औरतों के लिए भी है कि मुसलमान के मुसलमान औरतें भी मुसलमान है तो उनके ऊपर भी सारे हक आते हैं, सारे उनको भी अदा करना है, उनको भी करना है। तो इसी तरह जो ये सातवीं चीज़ है कि जब वो कसम अगर डाले किसी मामले के अंदर, कसम खाकर कोई काम उसको करने दे जो शरी हो, शरी काम हो, और उस पर अल्लाह की कसम डाल के दे दे कि तुमको कसम में काम करना पड़ेगा या कोई ऐसा मसला है जिसको आप कर सकते हैं, तो फिर आप उस काम को आपको करना लाजमी है क्योंकि हक में से है और कसम खा के उसने आपसे करने को कहा। गैर शरी है तो बात अलग है, आपकी इस्तेताद के बाहर है तो वो बात अलग है, आप उससे माजरा चाहे भाई मेरी इस्तेताद ही नहीं, कसम दे दे, कसम है तुझे अल्लाह की 1,00,000 रुपये उधार दे, अब यही नहीं आपके पास तो फिर कहाँ से देंगे, कि बोले अब मुझे मालूम पड़ गया हक में से है दे तू, तो बोले यार वो है ही नहीं मेरे पास, मैं दूंगा कहाँ से, तो वो भाई माजरत उसके अंदर मेरे पास नहीं, मेरे पास में नहीं। तो जो शरी हो जिसको आप कर सकते हैं तो वैसी कसम जो आपको दे रहा है तो आप उसको पूरा करना जरूरी है, आप उसको करें। हरामकारी का कोई काम है या धक्के धक्के पे कसम हो जाती, नहीं तो आजकल तो लोगों क्या है कि जिनको मालूम भी नहीं होता तो धक्के धक्के पे कसम, कसम से ही काम करवा दे, लेकिन दिन रात का उनका काम ही हो जाता, माल बेचना, कसम उससे काम करना, कसम तेरी कसम, बाप की कसम, उसकी कसम, जान की कसम, दुकान की कसम, धंधे की कसम, वो सब ये कहाँ से आए, सारे नाम फिल्मों से, फिल्मों के नाम है सारे, तो सब वो सारे दिन भर कसम ही कसम, धक्के धक्के पे कसम, वो काम ही धक्के कसम पे होगी। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बस ये कि शरी काम हो, सही काम हो तो उसके लाजमी है कि वो कसम खाए तो उसको पूरा करे। और ये सही बुखारी में भी आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई जायज काम की अगर कसम दे तो उसको पूरी करना जरूरी है, उसको तुम पूरी करो। तो ये सात हुकूक तो ये, इसके अलावा भी बहुत सारे हदीसों के अंदर आते हैं जहाँ जहाँ पर ये सब हक मारने में से जाएंगे, जैसे कि एक मुसलमान से मुसलमान हसद ना रखे, उससे हसद ना रखे, दिल के अंदर कीना कबद उसके लिए कि उससे जले कि इसको अरे ये चीज़ इसके पास में, ये गाड़ी ले आया, ये नहीं होना चाहिए, उसके अंदर हसद जलन उससे ना रखे, गाड़ी लिया है और किससे अगर हसद हो रही है, क्योंकि हसद फितरी भी है, होती है इंसान को, अरे यार मैं तो 10 साल से काम कर रहा हूँ, 10 साल से जॉब है लेकिन मैं अभी तक साइकिल से आगे नहीं बढ़ा और ये 2 साल के अंदर आगे बढ़ गया, अब उसको जलन है, तो कम करने के लिए भी है कि आपको कम करनी है, उसके जलन हो रही है आपको, तो उसके पास आप जाओ मुबारकबाद, आपको उस हसद को दबाना पड़ेगा, ये तो हसद ऐसी आ गया, जो अलग सुन क्या फरमाए कि हसद ऐसी चीज़ है कि हसद ऐसे जो इंसान के अमल को खा जाती है, उसकी नेकी को खा जाती है, जैसे कि सूखी घास, आग जो है सूखी घास को खा जाती है, तो आपको उससे हसद आ रही कि यार ये कैसे लिया था, आप जाकर सोचे माशाल्लाह आप गाड़ी लिया है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, चलो आप मिठाई खिलाओ, तो आप उसके पास जाएंगे तो वो फिर आपके दिल में से हसद निकलेगी, तो हसद ना रखें, ये भी मुसलमान का हक मारने में से कि मुसलमान से वो हसद रखें। इस तरह जो है किसी से जलन, ये भी उसी जैसा ही है, जलन रखना उससे, औरतों के अंदर ज़्यादा होता है, वो जरा सा कुछ ही नहीं, अच्छा सूट आ गया तो जलन, अच्छा उसने कपड़ा पहन लिया तो जलन, अच्छे जूते लिया है तो जलन, अच्छी ज्वेलरी आ गई तो उसको हसद जलन, कैसे आ गया इसके पास में, वो मैं थी जो खूबसूरत हूँ, मेरे पे कितना अच्छा लगता है लेकिन काली कलोटी देखो ये पहन के घूम रही, इसके पास कहाँ से है, ये हसद जलन से निकलती है। तो ये चीज़ें इसके अंदर नहीं होनी चाहिए दोनों के अंदर। इस तरह ये भी हक मारने में से कि आप किसी की गिबत करें, मुसलमान की गिबत करना, और गिबत करने के ताल्लुक से तो कितनी सारी वईद है कि अपने भाई, मरे हुए भाई का गोश्त खाना, गिबत करना, तो ये मुसलमान की, मुसलमान दूसरे की भी नहीं करे, गिबत तो मना ही है, ऐसा नहीं है मुसलमान की है तो चलो दूसरे की तो करो, गिबत करना ही मना है। गिबत क्या कि सामने वाले के अंदर वो चीज़ हो और आप उसको पीठ के पीछे बोलते हो और वो उसको बुरा मानता हो, जो उसके मुंह पे नहीं बोल सकते उसको पीठ पीछे बोलना, ये गिबत है, ये गिबत में ये आता है। इधर चुगली करना, किसी मुसलमान की आप चुगली कर रहे हैं कि अरे यार इसका ये कर दो, ऊपर चला गया चुगली से, आपने बोझ से चुगली कर रहे हैं, तो ये सारी चुगली करके, चुगली करके भड़काना किसी की रिश्तेदारी उससे हो रही तो यार इसको बोल दो अरे चुगली, अरे ये लड़के का मामला ऐसा है, ये लड़के का मामला ऐसा है, अब उसके अंदर कितने सारे अगर नहीं हुआ तो तोहमत लगाना, और वो तो इतना बड़ा गुनाह में चला जाएगा अगर लड़की है और आपने बगैर किसी सबूत के उस पर तोहमत लगाई, तोहमत लगाने पर कितने 80 कोड़े की सजा, कुरान सूरह नूर में अल्लाह ने फरमाया। तो इससे बचे, इस तरह गाली गलोच ना करें, देवी मुसलमान के हक मारने में से कि गाली दे, वो गाली के लिए तो है कि अल्लाह के रसूल फरमाए कि एक कोई आदमी अपने माँ बाप को गाली ना दे, तो साहबा ने कहा कि माँ बाप को कौन गाली देगा अपने वालदेन को, तो बोले आदमी देता है, क्यों देता है कि जब ये गाली देता है दूसरे को तो दूसरा वाला जवाब में इसको गाली देता है, तो इसने अपने माँ बाप को गाली दिलवाई उससे, क्योंकि इसने उकसाया उस, तो गाली ना दे, तो वो गाली का तो ऐसा मसला हो गया कि ये तो कल्चर हो गया आज, बिना गाली के तो कोई बात ही नहीं करता, फ़ोन पे गाली, रस्ते में मिल रहे तो गाली, बल्कि मिलते ही ऐसे वो आदमी जरा आवाज़ लगा के भी कह रहा है कहाँ था फलां, उसको
आवाज लगा के गाली देके बोल रहे हैं। और इसका तो ऐसा हो गया, अरे मैं वहाँ गया तो गाली, ये हुआ गाली, यहाँ आया गाली, मतलब एक लफ्ज और एक गाली, एक लफ्ज और एक गाली, इतनी गाली हो गया, ऐसा कल्चर हो चुका है। तो गाली ना दे, ये भी मुसलमानों के हक में से। इसी तरह मुसलमान दूसरे मुसलमान पर हथियार ना उठाए, ये भी बड़े गुनाह के अंदर से। बल्कि इसके लिए तो रिवायत आती है कि जो हथियार उठाए वो हम में से नहीं है, यानी ये तो मुसलमान ही नहीं है फिर, तो उसके खिलाफ वो हथियार ना उठाए। और आज हम देखें कि ये तो बहुत बड़ा इंटरनेशनल मामला है, मुसलमान के खिलाफ हथियार उठाए जा रहे हैं। बल्कि हथियार क्या, बड़े बड़े ऐसे हथियार उठाए जा रहे हैं कि एक नहीं मर रहा, वो एक छोड़ते हैं तो हजारों मरते हैं, उनकी बर्बादियों की जा रही है, उनके माल को बर्बाद किया जा रहा है, उनके जो लोगों को बर्बाद किया जा रहा है। तो हथियार उठाना ही मना है, तो फिर आज देखें क्या मामला हो रहा है। और मुसलमान खुद लड़ रहे हैं जबकि हथियार उठाना मना है, जमात की वजह से आपस में लड़ रहे हैं, फिरकों की वजह से लड़ रहे हैं, नमाज में थोड़ा इख्तिलाफ है उसकी वजह से लड़ रहे हैं। तो ये भी इसका मुसलमानों के हक में से। इसी तरह जो है मुसलमान को दूसरे अलकाब ना दे, बल्कि किसी को भी ना दे बुरे अलकाब, यानी बुरे लकब देना, बुरे लकब देना मना है कि किसी को आपको उसकी चिड़ रखना, कि आदमी चिड़ नहीं रखते कि ये ऐसा आदमी, तो उसको बोल ये टिंगू, ये मोटे, ये पतले, तो ये सारे नाम देना उसको बुरा लगता है, आप नहीं कह सकता। किसी को पसंद है कि यार मुझे कोई मोटा कह देता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको पसंद है तो मसला अलग है, लेकिन देना ही नहीं चाहिए, उसका असल नाम उसके नाम से पुकारना चाहिए। तो ये चीज़ें फिर क्या होती है, उसकी चिड़ बन जाती है, और चिड़ होती है। ये मामला भी मिलता है कि एक बार अल्लाह के रसूल जब मदीना गए तो वहाँ उन्होंने अल्लाह के रसूल कहा कि वो फला को बुला के लाओ, तो वो आए तो कह के अब मैं आ गया, कि अच्छा वो तुम ही हो, नाम बोल के बोला, बोला क्या अल्लाह के रसूल तो मेरी चिड़ है और आप मुझे इस नाम से बुला रहे, बोले चिड़े मुझे क्या पता, मुझे तो ये मालूम तुम्हारा नाम ही है। फिर उन्होंने कहा कि फला उसको बुलाओ, तो वो आया तो कह अल्लाह के रसूल अच्छा हुई वो तुम हो, तो कह अल्लाह के रसूल ये तो मेरी चिड़ है, आप इसको मेरे नाम से क्यों बुला रहे, मेरा नाम तो ये है। तो ना क्या तुमने कर क्या रखा है, सब एक दूसरे को चिड़े बना रखी, सब एक दूसरे को चिड़े से बड़ा, अल्लाह के रसूल नापसंदगी का, नाराजगी का इजहार किया उसके अंदर। तो किसी के नाम इसे चिड़ वाले और ये चीज़ें ना करें, बुरे अलकाब ना दे। कुरान में भी अल्लाह ने इसको फरमाया सूरह हुजरात के अंदर कि कोई किसी को बुरे लकब ना दे और किसी पर ऐब ना लगाए, तो किसी पर ऐब भी ना लगाए। और ये ऐब के ताल्लुक से तो ये है कि वो किसी को ऐब लगाए तो अगर ऐब उसके ऐसे ऐब हैं जिससे माशरा ख़राब नहीं होता, अगर पर्सनल ऐब और उसको ऐब को वो जाहिर करता है तो रोज़े क़यामत अल्लाह उसके तमाम ऐबों को जाहिर कर देगा, तो इससे भी बचना चाहिए। इसी तरह बदगुमानी ना रखें, किसी के खिलाफ कोई बदगुमानी ना रखें जब तक कि पूरी तरह आपको मालूम ना हो। नहीं तो आप लोग क्या इतनी बदगुमानी रखते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो फला, अरे फला के वहाँ खाना खाने जा रहे हो, उसके वहाँ पर तो फला फला ऐसा मसला है, वो तो उसकी कमाई ये है, उसका धंधा ये है, कहाँ जा रहे हो उसके ऊपर आप मालूम कुछ पता नहीं, आपने उड़ी उड़ी बात को आपने कह दिया। बदगुमानी रखी उसके खिलाफ, पूरा आपने तहकीक की, उससे पूछा, बातचीत की, इसलाह की उसकी, तब जाकर। ये खाली बदगुमानी फैलाना बहुत बड़ा गुनाह है, अफवाह फैलाना तो वो शैतान का काम, अफवाहें वो फैलाता है। नहीं तो लोग किसी के किसी, अरे वो फलां से उनकी, अरे उनकी बात नहीं सुनते क्यों, अरे एक बार उन्होंने फलां फलां बात बोल दी थी जो गैरशरी थी, अब आपने कभी इसलाह करी, वो आपने 10 जने को बोल दिया, कभी आप खुद ने जाके कहा कि आपसे गलती हुई, अगर वो मान लिया कि हाँ मुझसे गलती हुई थी, चलो मैं मान लेता हूँ, उसको मान लिया तो बात ही खत्म हो गई, अब आप उसको जाहिर ही नहीं करना। लेकिन आप उसकी बजाय कि उसको कहने की बजाय पूरे जमाने में कहते फिर रहे कि उसने ये किया उसने किया, लेकिन उसको तो बता ही नहीं रहे कि उसने ये किया, तो बदगुमानी कर रहे हैं और आप अफवाह फैला रहे हैं बहुत बड़े गुनाह के अंदर, तो ये जो है इसका तरीका नहीं है। इसी तरह जो है मजाक भी मना किया गया कुरान के अंदर ही, अल्लाह ने फरमाया कि एक औरतें का मजाक ना उड़ाए, मर्द मर्द का मजाक ना उड़ाए। मैं फ़र्क किया कि औरतें भी ना उड़ाए, क्योंकि औरतें ज़्यादा हंसी ठटल्ले ज़्यादा मजाक ज़्यादा करती, तो वहाँ स्पेशल अल्लाह ने अलग से करके दिया, तो मर्द भी ना उड़ाए। और मजाक तो आम हो चुका है कि लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, चुटकुले बनाते हैं या मजाक के मौजू बनाते हैं, एक आदमी आता है उसका मजाक बनाने लग जाते हैं, आदमी को बुरा लगता है इससे। कोई आदमी किसी के लिए आज तो ऐसे मजाक हो गए कि कुछ भी नहीं बोले, वो आ रहा क्या करें हंसो, तो वो वैसे आता है तो सब हंसने लग जाते हैं, तो बड़ा आदमी फिर खुद को देखता है कुछ अजीब तो नहीं लग रहा, ऊपर नीचे सब संभालेगा वो, क्या हो रहा है बेचारे को मालूम ही नहीं, और उस पर तो हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, बुरा मान गया उसको, क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें जो है इस पर उनको आज बचने की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया में इसको बहुत ज़्यादा, बल्कि इससे आज ऐप से ऐसे मौजूद है जिसके सिर्फ लोगों की जो हंसी टटल्ले मजाक और ये सारी, और जिसके नुकसान बहुत हो रहे हैं और इसके रिजल्ट इतने बुरे आने वाले हैं, जो आज हम जो ऐप्स हमारे पास में आ रहे हैं हंसी मजाक के, और जो ये अब मुख्तलिफ ऐप है जैसे टिकटॉक है और ये लाइक है और ये इस तरीके वीडियो बना बना कर लोगों को हंसाने के लिए कुछ भी उसमें किया जा रहा है, बेहयाई और तमाम चीज़ें इसके अंदर आज हो रही है। इतना ये फेल हो गया, इतना फेल इसके अंदर फेल गया है ये, आज के
और ऐसा ही है कि उससे भी ज्यादा खतरनाक है जो पहले ऐप चला करते हैं, यानी यूट्यूब है, फेसबुक है, उससे भी ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर आम लोगों के हाथ में सब अधिकार आ गया कि जो चाहे अपनी मर्जी करे, जिसकी शूटिंग कर रहा हो, जिसको मोबाइल से कर रहा हो और उस पर बना बना के वो डाल रहा हो, कोई फला कुछ काम कर रहा है तो उसमें डाल रहा है, वो लोगों को क्या पता क्या हो गया आज के। पहले होता था कि प्राइवेसी की कितनी इंपॉर्टेंट बताई गई इस्लाम के अंदर, कि यहाँ तक सूरह नूर में फरमा दिया कि अगर किसी के घर जाओ और वो सलाम करो और वो कह दे कि घंटे बाद आना तो आपको मानना लाजमी है, आप नहीं कह सकते कि आप। और आज ये मामला हो गया कि लोग अपने घर के अंदर CCTV और कैमरे लगाकर उस पर सीधा ऑनलाइन चलता है, ऑनलाइन देते हैं, यूट्यूब के अंदर ऑनलाइन सीधा चल रहा है, स्ट्रीमिंग बोलते हैं उसको। तो घर के अंदर क्या करता है, CCTV कैमरा लगा, अब वो चल रहे हैं, कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेट रहे हैं, उसके ऊपर जिसको देखना है देखो फ्री, माएँ दूध पिला रही हैं वो भी चल रहा है, कोई कहाँ बैठा है वो भी चल रहा है, ये इस तरह तक बेहाई इसमें फैल चुकी है। तो इसको भी हमको तो इस चीज़ों से तो बचना चाहिए कि हम तो ये हुकूक जो 7 हुकूक मैंने बताए, तो ये कि सबसे पहले हुकूक ये है कि सलाम करे तो उसका जवाब दे, फिर जो है अगर बीमार हो जाए तो बीमार पोशी हो जाए, इस तरह इंतकाल जब हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल हो, और दावत दे तो कबूल करे, छींक आए तो उसका जवाब दे, और मशवरा मांगे तो सही मशवरा दे, और कसम दे तो अगर उसकी शरी कसम हो तो उसको वो पूरा करे। तो ये चंद बातें थी जो मुसलमान के मुसलमान पर हक के ताल्लुक से मैंने रखी। आखिर में अल्लाह से दुआ, जो कुछ कहा और सुना गया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जब तक जिंदा रखे इमाम इस्लाम पे जिंदा रखे, अल्लाह जब मौत दे साल में मौत दे, अल्लाह हमसे राजी हो, अल्लाह से राजी हो। आखिर दावाना अलहमदिल्ला रबीआलमी।